राजा जनक का ये आदेश है आप इसी पलंग पे विश्राम करेंगे इसी पलंग पे विश्राम करेंगे मतलब हिल भी नहीं सकते आप सात दिन के जगे हुए भूखे प्यासे सुखदेव रात भर खुली आंख तलवार देखते रहे सुबह हुई स्नान इत्यादि के बाद संदेश आ गया कि जनक ने बुलाया जनक ने पूछा कुशल हो रात्रि कैसी रही उन्होंने कहा महाराज भोजन बहुत अच्छा था पलंग भी बहुत अच्छा था पर मेरे सिर पर नंगी तलवार थी से रात भर में सोया नहीं हूं उनने कहा सुखदेव तुम नंगी तलवार को देख के भयभीत हुए सो नहीं पाए किसी तरह से दुनिया के लोग जानते नहीं कि सबके सर पर मृत्यु की नंगी तलवार लटक रही है और श्वास के इन कच्चे धागों से बंधी हुई ये जीवन की डोरी कब कट जाए कोई जानता नहीं और देखो संसार कैसा बेहोश है कि मजे से सोता रहता है ये जनक का सुखदेव को पहला प्रैक्टिकल था। ये मेरे सामने एयर कंडीशन हाल में कंफर्टेबली बैठ करके ज्ञान सुनने से क्या होगा कुछ नहीं होगा पर जिस तरह से जनक ने सुखदेव को दिया उस तरह से बहुत कुछ होता है पर जनक इस प्रकार से सुखदेव के साथ इसीलिए कर पाए कि सुखदेव ने अपना आप समर्पित किया था उनको और उनके पास बैठ गए थे इसीलिए जनक इस प्रकार के प्रयोग उनके साथ कर पाए सुखदेव त्यागी हैं जनक एक राजा हैं पर जनक की सच्चाई यह है कि वो भीतर से तो एक सन्यासी है और एक सन्यासी एक भोगी और त्यागी दोनों से श्रेष्ठ होता भोगी और त्यागी एक दूसरे के विरोध में हैं। काला और सफेद जैसे एक दूसरे के विरोध में है अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विरोध में है ऐसे ही त्यागी और भोगी एक दूसरे के विरोध में है सन्यासी इन दोनों से ऊपर है न वो भोगी है न वो त्यागी यज्ञ दान तप इत्यादि इन कर्मों को करना चाहिए इनको त्यागना नहीं चाहिए और बुद्धिमान पुरुष किसको कहते हैं जो सर्व कर्म करते हुए अपने आप को इन सभी फल की इच्छाओं से मुक्त रखता है तान्यपि तु कर्माणि संगम त्यत्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतम ये पार्थ ये यज्ञ दान तप रूप कर्म और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को के फल को त्याग कर अवश्य ही करने चाहिए ऐसा मेरा निश्चय हुआ उत्तम मत है भगवान कह रहे हैं कि मेरा मत क्या है कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए इस फर्क यह है एक व्यक्ति कर्म करता है अपने परिवार संसार के लिए निराशक्त भाव से और एक व्यक्ति कर्म करता है अपने गुरु के लिए पर वह भी निराशक्त भाव से आंख नाक मुंह कान बंद करके गुफा में बैठ जाने का नाम सन्यासी नहीं है निरा आसक्त हो जाने का नाम सन्यास है निराभिमानी हो जाने का नाम संन्यास देखिए ये इस संसार एक ऐसा बड़ी प्रयोगशाला है जहां सबको कर्म करना है जिनके किए गए कर्मों का प्रभाव दूसरे 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 मनुष्यों पर और स्वयं तुम पर आता सो करने योग्य कर्मों को करना ही चाहिए और करने योग्य कर्म को करे पर उसके फल की कोई आसक्ति ना अब ये मुश्किल काम है भोगी होना आसान है कर्मों को त्याग देना आसान है पर कर्म करना पर फल में आसक्त ना होना यह मुश्किल अब इसी की प्रैक्टिस जो है वो गुरु के पास करनी सहज होती मुश्किल तो देखिए काम है ही ये आसान नहीं है पर फिर भी थोड़ी सी सहजता हो जाती तो ऐसा कहा गया कि भाई तुम पूरी जिंदगी निराशक्त पता नहीं कब होओगे फल आसक्ति कब छोड़ोगे पता नहीं उसका पर जिंदगी में कभी कभी कुछ कुछ दिन ऐसे लाओ जब तुम कर्म तो करो पर वह कर्म जो है डायरेक्टली तुमसे रिलेटेड ना हो वो धर्म से रिलेटेड हो गुरु से संबंधित हो ईश्वर से संबंधित हो या समस्त समाज के साथ संबंधित हो अपना वक्त उनके साथ लगाओ अपने शरीर को मन को ऐसे कर्मों में लगाओ जिन कर्मों का जो फल होगा वो फल तुम्हें नहीं वो किसी और को मिलने वाला इसी को सेवा कहते हैं सेवा क्या है एक प्रैक्टिकल है जिसमें आप निरासक्त तो होना सीखते हो उदाहरण में देती हूँ तुम लोग अपनी घर की रसोई बनाते हो तो आठ दस लोगों का भोजन बनता होगा पाँच छ लोगों का भोजन बनता होगा इस समय इस आश्रम में चार सौ व्यक्तियों का भोजन बन रहा है तो जो प्राय रसोई बनाते हैं उनके हिसाब से भी बहुत ज्यादा चूंकि इंसान हैं इस समय तो थोड़े से हेल्प जो है वो बाहर से मंगाई जाती है पर बाकी तो देखना तो उन्हीं को पड़ता है अब इतने लोगों के लिए भोजन जब बनता है तो वो सब सामान बनवाना तैयारी कराना कटाना कराना इतने बड़े बड़े बर्तन को उठाना संभालना धोना जो आदमी घर के ही काम का चोर होगा वो यहाँ भी चोर हो जाता है छोटी सी आश्रम से संबंधित बात है पर उदाहरण की तरह मैं दे रही हूँ तो कभी कभी मुझको ऐसे पता लगा कि जैसे बोले कोई सब तो बोले आपके पास बैठे रहते हैं आपके सामने और इधर कोई आता ही नहीं है मैंने कहा चलो कोई नहीं है तुम चिंता नहीं करो तो हमने कहा चलो भाई आज सब लोग चलो उधर और वहाँ जा कर के जो भी कुछ करने वाला हो आटा गूंदो रोटी बनाओ ये खानी भी तो तुम्हें है ही तुमी तो खाओगे तो खुद बना बनाओ भी चलो तो फिर सब भाग के आ जाते हैं फिर मेरे को कहते हैं महाराज जी अब तो बहुत सारे लोग आ गए इतने लोगों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर मैं अच्छा कोई नहीं ये कुछ लोगों को जो है वो रोड साफ करने के लिए भेज दीजिए अब चूंकि हमने बोला है तो नंबर तो सबको बनाने हैं ना मेरे आगे तो सब काम कर रहे होते हैं फिर हम ना देख रहे हो और हम ना बोले तो फिर बेचारे यही दो तीन जो लोग होते हैं जो आश्रम में स्थायी निवास करते हैं वो बेचारे लगे रहते हैं रसोई में गर्मी भी होती है रसोई में कार्य भी होता है सब चीज देखनी संभालनी भी होती है तो वो सब कर रहे हैं और मुझे बताइए उनको क्या इनाम मिल रहा है उनको अलग से कोई इनाम मिल रहा है क्या नहीं उनको कोई तनख्वाह मिलती है वो नौकरी थोड़ी कर रहे हैं यहां पे जो उनको तनख्वाह मिलेगी पर वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि यही उनका लेसन भी है यही उनकी साधना भी है चित्त उनका शुद्ध होता जा रहा है और चित्त उनका निराशक्त तो होता जा रहा है अब कोई आएगा तारीफ करेगा कोई आएगा इन लोगों को तो खाना ही बनाना नहीं आता बेवकूफ लोग हैं तो अब उन्हें यह भी सुनना पड़ता है अब यही आदमी यही औरत घर में हो और कोई इस तरह की बात बोले तुम्हें तो खा नहीं बह अपनी सास के अलावा ऐसी बात वो किसी की नहीं सुनती है और सास की भी वो तभी तक सुनती है जब तक वो आ, उतना फ्रीडम घरवाले ने नहीं दिया जैसे सांस ज्यादा बुढी हो जाए और घरवाले से भी फ्रीडम ज्यादा मिल जाए फिर नहीं सुनती वो कहते चब चुप बुढ़ी बैठ आराम से तो� टर टर मत कर रोटी खा खानी है तो खा नहीं पसंद आती ना तो जा फिर बुचारी बूढ़ी माता क्या करे फिर वो भी अपने मुंह सी लेती है कोशिश करती है कुछ देर तक कि उसकी जोर जमाइशी हो जाए जब नहीं होती तो फिर फाइनली उसको तो जितनी बूढ़ी बूढ़ी सांसें होती ना जब आपस में बैठी होती ना तो बेचारी तेरी बहू बाय हाय मेरी वाली से तो फिर भी अच्छी मेरी का पूछ वो कहेगी मेरी का पूछ वो बैठी ना अपनी बहुओं की गुण गाथा सुना रही होती उसने ये किया उसने ये किया उसने ये किया और बहुएं जब मिलती हैं आपस में तो वो कहती तेरी सास बहुत अच्छी मेरी वाली पूछ डायन है तेरी वाली तो बहुत अच्छी है कम से कम देखने में तो ठीक मेरी तो काली कलूटी त्रिजटा है ताड़का है सुरसा है जुबान भी बुरी है अकल भी बुरी है टोकती भी रहती रोकती भी रहती बात समझ लो तो अपने मन की भड़ास जो है वो निकालते रहते पर जो व्यक्ति आश्रम की रसोई में काम कर रहा हो या जो व्यक्ति आश्रम के रख रखाव में काम कर रहा हो उसको आकर के कोई उल्टा सीधा बोल दे या उसकी कोई आके तारीफ कर दे तो वो क्या करेगा उसको दोनों ही स्थितियों में शांत रहना अनिवार्य है अब जब नहीं रहता है तो फिर उसको हम फिर कहते हैं कि देखिए यही तो चैलेंज है यही तो चैलेंज है कि जो आपको जानते नहीं ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा भी बड़ी अच्छी लगती है और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जब निंदा होती है तो वो बहुत बुरी लगती देखिए आदमी अपने बेटा बेटी की गाली भी सुन लेता है लेकिन पराए आदमी की ना ऊंची आवाज भी नहीं सुनता श्री हनुमान जी ने यह बात कही थी कि ज्ञान चिंतन करना सहज है ध्यान लगाना सहज है योग आसन करने सहज है जप करना सहज है पर हे श्री राम तेरी सेवा सबसे कठिन सबसे कठिन और तो और हनुमान जी को सीता से ही डांट पड़ गई थी बहुत जोर से भगाओ इसको ये भानर सारा समय राम जी के आगे पीछे भागता रहता है हमें एकांत ही नहीं मिलता डांट पड़ गई थी उनको और हनुमान अपनी सेवा में दक्ष हैं अपनी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं और अपने अहंकार को उन्होंने ऐसा समाप्त कर दिया था कि निराशक्त हुए बिना किसी वाहवाही के और बिना किसी निंदा का भय लिए वो अपने श्री राम के कार्य में लगे रहे करने योग्य कर्मों को करे और जो निषिद्ध कर्म है देखिए उसकी तो अब चर्चा भी नहीं होने वाली अब तो चर्चा बहुत दूसरे तल की जा रही है जहाँ पर हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने की अपनी जिंदगी में मनन अपनी जिंदगी में हम उतार सकें अब ऐसी ही बातें और अगर ये बातें आपके समझ लग गई तो तुम सन्यास धर्म की ओर अग्रसर हो जाओगे और अगर सफल हो गए तो सन्यासी हो जाओगे मैं फिर निवेदन कर दूं भगवा वस्त्र पहनने वाला सन्यासी नहीं होता है सब कुछ त्याग देने वाला भी सन्यासी नहीं होता है और जो भोग भोगता है वो भोगी भी सन्यासी नहीं होता है सन्यासी कौन होता है जो करने योग्य कर्मों को करे पर फल की आसक्ति न रखे ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण सन्यासी कहते हैं तो त्यागी और सन्यासी के इस भेद की जो चर्चा है सो अभी और आगे चलेगी श्लोक सातवा तु संन्यास कर्मुप्य मोहात परित्यागस्ताम सह परिकीर्ति नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है जो कर्म नियत हैं नियत मैंने जिनको करना कर्तव्य है नियत कर्म का अर्थ है जो वेद विहित कर्म कहे गए ऐसे कर्मों को जो त्याग देता है उसका त्याग सर्वथा तामसिक होता है अब इसमें दो तरह की कर्मों को हम ले सकते हैं एक वह कर्म है जो एक व्यक्ति जो परिवार में रह रहा है उसके उसके लिए तय किए गए हैं जैसे माँ पिता की आदर पूर्वक सेवा करना ये कर्तव्य है चॉइस नहीं है कर्तव्य अपने कुल देवता का अपने कुल गुरु का अपने ग्राम देवता का अपने आचार्यों का अपने से आयु में बड़े लोगों का सम्मान करना ये भी नियत कर्म है नो चॉइस इन दैट इसमें कोई ढील नहीं इसमें कोई भी ढील नहीं दी जा सकती इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य को धारण करके अथवा ब्रह्म की इच्छा चित्त में रख के किसी गुरु के पास अगर निवास कर रहा है तो गुरु की सेवा करना भी नियत कर्तव्य कर्म हो जाता है ऐसा ना हो कि गुरु को कहना पड़े मेरी दृष्टि में इससे ज्यादा अशोभनीय और डूबरने की बात होती है जब शिष्य को गुरु को ये कहना पड़े कि बच्चे अपनी सेवा में ध्यान दो ये अति दुर्भाग्य होता है अपनी सेवा में तत्पर रहना अपनी सेवा में सावधान रहना अपनी सेवा के लिए कभी आलस्य और झूठ का प्रमाद का सहारा न लेना जो अनिवार्य है चीजें उनमें कोई छुट्टी नहीं होती भूख आपको लगती है भोजन आप करते हो मान लीजिए हम भोजन करने को नियत कर्म कहें तो भूख रोज लगेगी भोजन रोज खाना पड़ेगा तो भोजन खाने से कभी छुट्टी तुमको नहीं चाहिए तुम्हें रोज भोजन चाहिए दुखी हो वो उदास हो वो घर में कोई मर जावे और घर में कितना ही शोक क्यों ना हो तो घर में आग नहीं जलाएंगे पड़ोसियों के घर से भोजन पक के आ जाता है दुखी भी है रोता भी है पर भोजन तो खाता ही है जिस स्त्री का पति मर गया हो जिसका पुत्र मर गया हो जिसके घर में मृत्यु का शोक आ, पीड़ा दे रहा है तो भी भूख तो लगती ही है नींद तो आती ही है खाएगा भी सोएगा भी विश्राम भी करेगा और तो और कौन रिश्तेदार मित्र संबंधी अफसोस करने आए हैं सहानुभूति जताने आए हैं उनको भी मिलता क्यों घर में आया हुआ व्यक्ति परमात्मा का ही स्वरूप है ऐसी धारणा हमारे इस भूमि में रहने वाले पूर्वजों ने दी थी और ये कहा कि तुम्हारी मनस्थिति कैसी है दुख की है शोक की है कि सुख की है इससे ये नियम बदल नहीं जाएगा जो तुम्हारे घर में आया है उसको आदर देना सत्कार देना यथा उचित उसकी सेवा करना ये आपका कर्तव्य है मेहमान भगवान का रूप है ये धारणा भारत की है और इसी कारण से भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने इस धारणा के साथ अपने जीवन को जिया है लेकिन आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे कभी महंगाई के नाम पर और कभी हम व्यस्त हैं इसके बहाने पर आए हुए मेहमान का आदर नहीं होता अब वो भी बात थोड़ी कहनी पड़ेगी मुझे आगुन तक मेहमान का हिंदी में जो शब्द है सो है आगुंतक जो बिना तिथि बतलाए आगमन कर जाए सो आगुंतक परंतु आज तो फोन एसएमएस, ईमेल टेलीफोन तो आदमी तो सूचित करके आ रहा है उस समय यह था कि बिना सूचना किए हुए पर भी जो आए उसका स्वागत करो आज लोग कहते हैं कि पहले पता दीजिएगा फिर आइएगा और पता देने पर भी कोई जाए और फिर उसको आदर सत्कार न मिले तो मतलब आप तामसिक व्यक्ति हैं आपने जो नियत कर्मों का त्याग किया सो तामसिक त्याग गिना जाएगा सो so, आपके लिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि हमारे लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें चॉइसेस नहीं है यू जस्ट हैव टू फॉलो इट यू जस्ट हैव टू डू इट एंड यू शुड इंजॉय वाइल डूइंग इट रात अंधेरे में कोई भटकता हुआ यात्रा की तकलीफ सहता हुआ आपके द्वार तक आया हो और तुम चिड़चिड़े होके गुस्से होके और खीज में आकर के उस व्यक्ति की यथाउचित सेवा न करो तो ये भी तामसिक बात हो जाती तमोगुणी तो व्यक्तियों का ये लक्षण होता सुख यत्कर्म काया कलेश भया त्यजेत सागम नैव त्याग फलम लभेत जो कुछ कर्म है वही सब दुख रूप है ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे तो वह पुरुष राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता कितने लोग अपनी गृहस्थी छोड़ करके भाग जाते हैं और पूछो भे क्यों भाग गए तो कहते सारा संसार तो दुख रूप है इस दुख रूप संसार में हम जो कर्म करेंगे सो कर्म हमें बांधेंगे और इस क्लेश रूप संसार से तो दूरी ही रखनी चाहिए और अपने आप को हमने तो भगवान की सेवा में बस लगा दिया देखने को सुनने को लगेगा बड़ी बढ़िया बात कह रहा है पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यह भी रजोगुणी त्याग है आनंद घन सच्चिदानंद के द्वारा रचित यह संसार जिसको दुख रूप दिख रहा है तो उसकी मति तो बिल्कुल मारी हुई ही है चित्रकार से तुम कहो तेरे चित्र अच्छे नहीं हैं, यह चित्रकार की प्रशंसा नहीं होती आप भगवान से कहो कि तेरा संसार दुख रूप है इसलिए हम इसका त्याग करते हैं यह परमेश्वर की स्तुति नहीं हुई यह तो परमेश्वर को तुम गाली दे रहे हो इस संसार में किए गए सब कर्म हमें दुख देंगे हमारी काया को क्लेश देंगे हमें पाप पुण्य के बंधन में बांधेंगे कई लोग इसको वैराग्य समझते हैं, ये वैराग्य नहीं होता ये रजोगुणी त्याग होता है एक छोटी सी बच्ची को मैंने पूछा कि बेटे बड़े होके क्या बनोगे वो कहती आपके पास आएंगे मैं हमारे पास क्यों आओगे कहती संसार दुख है अब इस बच्ची ने कौन से संसार का दुख देख लिया देखा कोई नहीं है पर यहाँ वहां अपने घर में जो भी तमाशा होता होगा जो भी घर के सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते होंगे उससे उसने अनुमान लगा लिया कि संसार तो दुख होता है और जब जब वो हमारे पास यहाँ आश्रम में आई होगी तब तब देखा होगा सब लोग नाचते हैं गाते हैं खेलते हैं हंसते हैं खाते हैं ये बढ़िया है यहाँ आना चाहिए वो तो बच्ची थी इसलिए कह देती है पर कई लोग तो शरीर से बड़े हैं व्यसक हैं, तो, तो हैं। आपके पास सुख है घर में दुख है इसलिए आपके पास रहेंगे इसलिए हम संसार छोड़ के आपके पास आएंगे ऐसे लोग जो हैं, वो बहुत कच्चे होते हैं और मेरा पिछले दस बारह वर्षों का ये अनुभव है जिसमें मैंने ये देखा जो इस मानसिकता से मेरे पास आए उनको थोड़े ही दिन में मेरे आस पास रहने वाले लोगों से ही दुख होने लग गया तो फिर वहां से भाग गए मनुष्य तो मनुष्य है जहां कहीं रहेगा कुछ न कुछ तो जंजाल बनाएगा कुछ दुख का कुछ सुख का कुछ राग का कुछ द्वेष का इससे मुक्त तो खाली एक ब्रह्म्यता होता है और तो कोई है नहीं जभी तुम आओगे तो आकर के गुरु के शयन कक्ष में थोड़े ना घुस जाओगे रहोगे किन के साथ दूसरे गुरु भाई बहनों के साथ अब वो कैसे हैं जैसे तुम हो और वो कैसे हैं जैसे तुम्हारे परिवार के लोग थे जिन जिनसे तुम भाग के आए हो और जब फिर अपने ही जैसे लोगों के साथ रहना पड़ता है तो छोटी 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 बात में कहा सुनी हो गई इससे नाराज़ हो गई उससे दुखी हो गई इससे नाराज हो गए उससे सहेली ज्यादा बन गई इससे शत्रुता हो गई तो छः आठ महीने साल दो साल में आते आते में फिर एक दिन आ जाते गुरु जी हमें लगता है अब तो हम वापिस ही चले जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा घर में थे तो कुछ भजन पाठ तो होता था यहाँ आके तो सब खत्म हो गया ये क्या है ये रजोगुण त्याग हम तो कई दफ़ा ये सोचते हैं कि कोई वैज्ञानिक हमारे परिचय में हो मनोवैज्ञानिक कोई परिचय में हो तो उसको हम जरूर कहेंगे कि भाई एक कोई ऐसा थर्मामीटर हमें बना के दे जो आके मुझे ये कहते ना हम आपके पास आश्रम में रहेंगे सेवा करेंगे तो हम उनके मुंह में वो लगाएँ थर्मामीटर और वो मुझे बता दे कि इसका राजसिक त्याग होगा कि सात्विक त्याग होगा कि तामसिक त्याग होगा क्योंकि आदमी अभी नहीं बहुत अच्छा करता आप यकीन कीजिए रो रो के बाल्टियां क्या टब भर देते हैं कि हमें लीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे पर वो आ क्यों रहे जब ही उनसे पूछो तो कौन स्वीकार करेगा कि मैं राजसिक त्याग कर रहा हूं कौन कहेगा कि मैं तामसिक त्याग कर रहा हूं सबको ही अपने आप को सात्विक तो मानते हैं और अपनी साधुता ही दिखलाते हैं और हम भोले प्राणी फंस जाते हैं तो आज कल तो हमने बिल्कुल पैंतरा बदल दिया जो कोई आता है तो सबसे पहले तो क्रिकेट का बैट रखा नहीं है पर समझ लीजिए वैसा ही एक चमाट मार के लगता भगाओ इसको क्योंकि ये तो अपने साथ मुसीबत लेकर के आ रहा है सात्विक त्याग क्या है वो अगले श्लोक में आएगा पर इसके पूर्व हम राजसिक त्याग की जो बात कर रहे हैं सो मैं उसी की चर्चा कर रही हूं कि राजसिक त्याग करने वाले जो मनुष्य हैं, वो कभी भी सच्चे साधक नहीं हो सकते घर में थे तो घर वालों से परेशान हो जाएंगे आश्रम में आ जाएंगे तो आश्रम वालों से परेशान हो जाएंगे वो क्यों परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मन से परेशान है संसार के सभी कर्म क्लेश और दुख देते हैं यह सोच करके जो इनको त्याग देता है सो त्याग राजसिक है श्री कृष्ण का ये दिया हुआ श्लोक बहुत अच्छे से सबको समझना चाहिए थोड़े ही दिन पहले 24 चौबीस चो, पच्चीस वर्ष की एक नवयुवती ने मुझसे कहा पत्र दिया हम आपके पास सेवा में रहना चाह रहे हैं तो मैंने उसकी ओर देखा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया कोई एनालिसिस भी नहीं किया कोई वक्त भी नहीं दिया मैंने कहा देख बेटे अभी नहीं चार पाँच साल घर में रहिए पाँच छः साल जब मैं तुमको देखूँ घर में साधना करते 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 तो परिपक्व हो जाओगे तो फिर निर्णय करेंगे फिलहाल तो मेरी तरफ से इनकार है